नमस्कार दोस्तों, आज मैंने सुबह जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैंने सबको विश किया था फ्रेंडशिप के लिए। बहुत लोगों ने मुझे काफ़ी विश किए, मैसेज भी किए कि सर आजकल आप मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं बोलते हो, कुछ आपके वीडियो थोड़े कम हो गए हैं। बात सही है, थोड़ा मैं बहुत से अलग अलग कामों में उलझा हुआ था। देखिए, आज एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास आया था जो आई वांट टू कन्वे ऑल ऑफ यू कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो जो मेडिसिन की तरह होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक होगी, एलोपैथिक होगी, होम्योपैथी होगी, जैसे कुछ फ्रेंड हमारे एलोपैथी जैसे होते हैं, जो काम तो जोरदार करते, अर्जेंसी के टाइम पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट अपने को पता नहीं होती है। कुछ जो आयुर्वेदिक जैसे होते हैं, जिसका क्या है कि नॉर्मल काम में वो बहुत मदद करते हैं, लेकिन अर्जेंसी के टाइम पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहते, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, वो अच्छा होता है। कुछ जो होम्योपैथी जैसे होते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि वो कभी काम लगते हैं कि नहीं लगते, बट उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो ये तीन कैटेगरी, एक मेरे पास ऐसा मैसेज आया था कि इस टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। बट फॉर्चुनेटली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो मेरी लाइफ में सब इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, चाहे वो अर्जेंसी हो, चाहे वो नॉर्मल काम हो, विदाउट साइड इफ़ेक्ट मुझे मदद की है। मैं मेरी एक सोशल लाइफ की भी बात करूं तो काफ़ी फ्रेंड ऐसे से हैं कि जो मेरी कोई परिस्थितियों आती है तो खड़े हो जाते हैं, और हुए भी है, विदाउट कोई इंटेंशन, विदाउट कोई डिमांड। तो और देखिए, लाइफ के अंदर, हर एक के लाइफ के अंदर, चाहे वो सोशल लाइफ हो या कैरियर के लिए हो या कुछ भी, अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आते ही है, चाहे वो सोशल, कैरियर, जॉब, बिजनेस। तो उस केस में मैंने देखा है कि बहुत से हेल्प अपने को ऐसी मिल जाती है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि भाई ये हमको मदद करेंगे, ये मेरी करियर में मदद करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक कंपनी में था और बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था कि मुझे एक एमएनसी कंपनी में जाना है। तो काफ़ी टाइम हो गया था जो जिस कंपनी में मैं था, तो मैंने सोचा कि क्या करूं। सडनली एक फ्रेंड था, उसका फ़ोन आया जो कि एमएनसी कंपनी में था। उसने मुझे फ़ोन किया कि पीयूजी जगह एक खाली है, क्या आप आना चाहोगे? तो मैंने जस्ट एक, मेरा क्योंकि बहुत टाइम से विश थी और दिल में था, तो मैंने हाँ बोला। ऑनेस्टली बताऊँ, वो कंपनी में मतलब एंटर होना भी इतना लंबा प्रोसीजर है, बट बिकॉज इनका इतना रेपो था कि लोगों ने मुझे बिना कोई ज़्यादा इंटरव्यू या बिना कोई पूछे मैं सिलेक्ट हो गया था। तो देखिए, कब क्या फ्रेंड कब अपने काम आ जाए उसका पता नहीं होता है। बट यस, हमको भी उसी टाइप का बिहेवियर रखना चाहिए, न कि हम आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथी जैसे रहे अपने फ्रेंडों के साथ। तो
इसी की तरह अगर अपन बात करें तो सोशल में भी काफ़ी मुझे मदद मिली है। कुछ फ्रेंड कभी भी मैं तकलीफ में हुआ हूँ तो आके खड़े हुए हैं। मेरा इन सब से आज के दिन सत सत नमस्कार है, प्रणाम है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी लाइफ का एक लेवल से दूसरे लेवल में आने में बहुत मदद की है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना जो जो फ्रेंड के साथ आपके पास फ़ोटो है वो आप शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें। मैं उसका एक एल्बम बनाना चाहता हूँ एंड उसको अपन सोशल मीडिया में रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये जो फ़ोटो है वो इतना अच्छा एल्बम बन जाए ये फ़ोटो से कि हम उसको बार बार देखते रहें। मैं ये विश कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपके जितने भी फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी फ़ोटो हो उसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं एक एल्बम बनाना चाहता हूँ और उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे और बहुत जो अपने फ्रेंड है, एक चेन बनाना चाहता हूँ जिससे अपन एक अच्छे से फ्रेंडशिप चेन बन जाए। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं सब डिटेल, आप अपने फ़ोन भी कर सकते हैं, आप कभी भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी चैनल भी है, आप ये